हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा हो सकता है कि एलियंस कुछ सालों में हमसे मिलने आ जाए, आई नो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 17 मार्च 2017 में नासा के साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिससे उनके होश उड़ गए। होश उड़ाने वाली चीज़ कोई चीज़ नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रह था, जिसका नाम लाइटन भी रखा गया, जो पृथ्वी से 12 लाइट ईयर दूर है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मौजूदा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी हम इंसानों को 12,700 साल लग जाएंगे उस प्लैनेट तक पहुँचने में। कैनस माइनर कॉन्स्टिलेशन में मौजूद लाइटन भी अपने आप में एक अनोखा प्लैनेट है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार, जिसको लाइटन स्टार भी बोलते हैं, उसके आगे वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी सूरज के आगे लगाती है। लाइटन भी पहली बार जब दुनिया की नज़रों में आया तब सब शॉक हो गए, क्योंकि उसका एरिया अर्थ से 1.5 गुना बड़ा होने के साथ साथ वो पूरी तरह हैबिटेबल जोन के अंदर है, और तो और उसमें लिक्विड वाटर मौजूद होने की भी हाई चांसेस है। जहाँ पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, वहीं लाइटन भी 18 से 19 दिन में अपने स्टार का चक्कर पूरा कर लेता है। ये तो अच्छी बात है, इसमें डरने जैसा क्या है? तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने यह भी अनुमान लगाया है कि हो सकता है वहाँ एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो, मतलब एलियंस। इसी चीज को समझने के लिए MEI और मैटी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्पेस में 2 मैसेजेस भेजे। पहले मैसेज में शॉर्ट म्यूजिक कंपोजिशन है, जो हम इंसानों द्वारा बनाया गया म्यूजिक है। दूसरे मैसेज में साइंटिफिक ट्यूटोरियल है कि वो पृथ्वी तक कैसे पहुंच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि साइंटिस्ट लोग कितना सीरियस वर्क कर रहे हैं स्पेस और एलियंस को जानने के लिए। देखा जाए तो फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं है कि हम उन तक पहुंच सके, पर क्या पता एलियंस खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम तक जल्दी पहुंच जाए। आपको क्या लगता है? सोचना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।